माहे शबानुल मुअज्जम का खास अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल इस अमल की बदौलत से आप करोड़पति बन जाएंगे, रिज्क में इजाफा होगा, कारोबार में बरकत होगी, गैब के खजानों में से रिज्क मिलेगा, रिज्क के बंद दरवाजे खुल जाएंगे और लाखों लोग इस अमल की बदौलत अपनी किस्मत अपनी तकदीर बदल चुके हैं। अगर आप भी अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, आप भी अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, आप भी अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, तो खुदा के वास्ते ये अमल ज़रूर कर लीजिएगा। माहे शबानुल मुअज्जम में यकम शबान से लेकर रमज़ान का चांद नज़र आने तक आपने जिस वक्त आप चाहें ये अमल कर सकते हैं। इसके लिए कोई वक्त की पाबंदी नहीं है और कोशिश करें कि यकम शोबानुल मुअज्जम से ही शुरू कर दें, यकम शोबानुल मुअज्जम से ही शुरू कर दें। क्यों? कि ये बहुत ही बाबरकत महीना है और ये अमल बड़ा पावरफुल है। यकम शोबानुल मुअज्जम से आप शुरू करें, यकम शोबानुल मुअज्जम मगरिब की नमाज के बाद रोजाना बिलाना गा अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ने के बाद एक तस्बीह, सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह सूरतुल कौसर की पढ़ लें। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें और ये अमल बावजू होकर करें, क़िबला रुख बैठकर करें। फिर देखें आपकी तमन्नाएं कैसे पूरी होती हैं, आपकी ख्वाहिशात कैसे पूरी होती है, जिस तरह अल्लाह की मेहरबानियाँ होती हैं, किस तरह अल्लाह की कर्म नवाजी होती हैं। कोई दुआ ऐसी नहीं होगी जो रद्द हो जाए, कोई मुराद ऐसी नहीं होगी जो पूरी ना हो, कोई मुश्किल ऐसी नहीं होगी जो आसान ना हो, कोई बीमारी ऐसी ना होगी जिससे शिफा ना अल्लाह दे। तमाम मुरादें तमाम बीमारियां तमाम मसाइल आपके हल होंगे। आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है और एक तस्वीर सूरतुल कौसर की पढ़नी है, पहली मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ, उसके साथ बाद बग़ैर बिस्मिल्लाह के आप पढ़ सकते हैं। तो आपने जिस मकसद के लिए ये अमल करना है उस मकसद का तसव्वुर करके ये अमल करना, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फिर वारे नियारे हो जाएंगे, फिर तकदीर बदल जाएगी। अपना अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल कीजिएगा अल्लाह के बाद।